हेलो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ चैप्टर 6। क्वेश्चन इज अ 1 kg ब्लॉक सिचुएटेड ऑन ए रफ इंक्लाइन इज कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग। यहाँ पर एक फिगर दे रखा है। हाँ, इस तरह से अपन को एक फिगर दे रखा है। ये फिगर दे रखा है जिसमें एक 1 kg का मास है और यहाँ 37 डिग्री एंगल है। और बोल रहे हैं कि स्प्रिंग से कनेक्ट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर। द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट में था और रिलीज कर दिया विद स्प्रिंग इन अनस्ट्रेच पोजिशन। बिना स्ट्रेच पोजिशन पे थी स्प्रिंग और उसको रिलीज कर दिया। वो ब्लॉक कितना नीचे गया अपनी ओरिजिनल जगह से? 10 सेंटीमीटर नीचे चले गया रेस्ट में आने से पहले। तो अपन को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइन और अज्यूम करना है स्प्रिंग का नेग्लिजिबल मास है, पुली फ्रिक्शन लेस है। तो सबसे पहले अपन यहाँ देखेंगे कि ये ब्लॉक है, उसका जो वेट होगा वो mg कहाँ होगा? इधर नीचे की तरफ होगा। और रिएक्शन फोर्स कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। अब ये रिएक्शन फोर्स होगा आर और ये mg नीचे की तरफ लग रहा है। इस mg का कंपोनेंट अपन निकालेंगे इस डायरेक्शन में, तो वो अपन को कितना मिलेगा mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में? दैट इज mg cos θ। ठीक है। और जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये आना तो नीचे से आ रहा है लेकिन फ्रिक्शन फोर्स उसको आने नहीं दे रहा, मतलब अपोज कर रहा है। ये आना तो नीचे से आ रहा है इस डायरेक्शन में, आ भी रहा है और फ्रिक्शन फोर्स का लग रहा है इसके पीछे। तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, स्मॉल एफ से शो कर रहे हैं। और ये नीचे का नीचे किस नीचे आ रहा है इस डायरेक्शन में। तो mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा? वो होगा mg sin θ। ठीक है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा डाउनवर्ड? तो एक चीज तो अपन को पता चल गई कि ये r जो है वो mg cos θ के बराबर है। दूसरी चीज ये पता चल रही है कि नेट फोर्स, नेट नीचे आ रहा है ना, तो नेट फोर्स लग कितना रहा है? mg sin θ नीचे लग रहा है और फ्रिक्शन ऊपर लिख रहा है, ये लग रहा है नेट फोर्स। इसको अपन और क्या लिख सकते हैं? mg sin θ। फ्रिक्शन फोर्स को अपन लिख सकते हैं म्यू इंटू रिएक्शन। mg sin θ
रिएक्शन फोर्स अभी अपन ने ऊपर लिखा है वो क्या है, एम जी कॉस थीटा। यहां से एम जी कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा बचेगा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये अंदर बचेगा। अब यहां पर बोल रहे हैं कि डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर तक चला है, ठीक है, डिस्टेंस कितना चला है 10 सेंटीमीटर, फिर वो रेस्ट में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन इक्विलिब्रियम, जब वो इक्विलिब्रियम में आया, रेस्ट में आया, तो वर्क डन जो है कितना काम हुआ, वो जब इक्विलिब्रियम रेस्ट में आ गया तो उसमें कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। फोर्स अभी नेट पीछे आया था अपने पास, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है एक्स, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो अपने पास अब क्या बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 mg साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू के एक्स। यहाँ पर अपन को वैल्यूज गिवन है के की 100, एक्स की वैल्यू गिवन है, म्यू फाइंड आउट करना है, थीटा अपन को 37 गिवन है, ठीक है। अब एक ट्रायंगल याद रख लीजिएगा, 37 डिग्री का ट्रायंगल का वैल्यूज, थ्री फोर फाइव, इससे आप साइन 37 निकालना हो तो 3/5 लिख देना, कॉस 37 कहीं चाहिए 4/5 लिख देना, ये ट्राइंगल आप याद रख लें 37 डिग्री वाला। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दें, मास 1 kg है, जी की वैल्यू 10 रख देना, थीटा रख देना, एक्स के ये सब रखेंगे, और फिर आप मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो आपको म्यू की वैल्यू मिलेगी 0.126। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। थैंक यू।